नमस्कार इन्वेस्टर्स, आज हम बात करेंगे बड़ौदा रेयन कॉरपोरेशन लिमिटेड शेयर के बारे में। इस स्टॉक में जो मोमेंटम बना हुआ है वो कहीं ना कहीं 282 के आसपास है। आप स्टॉक को देखें, 52 वीक आए 345 का है, 0 रुपीस से शुरू हुआ था 52 वीक लो में। इसी वजह से इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। कहीं ना कहीं स्टॉक ने जो रिटर्न्स दिए हैं वो करीब करीब 300 गुना के, समझिए परसेंटेज नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये 300 गुना है। स्टॉक में इतना अच्छा मोमेंटम अगर मिल जाए, किसी ने इतनी अच्छी पकड़ बना ली होगी उस टाइम पे, तो कितना अच्छा प्रॉफिट होगा। मैंने इसमें भी करीब करीब 3 गुना का रिटर्न्स अपना बनाया था, बट मुझे इतना उम्मीद नहीं था कि ये 345 गुना जाएगा। चलिए आज बात करते हैं स्टॉक पर, क्या हमें उस तरीके का मोमेंटम दोबारा देखने को मिल सकता है इस कंपनी में, क्या हमें सेलिंग कर देनी चाहिए इस प्राइस पॉइंट पर, बिकॉज क्या लोअर सर्किट लग गया है, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। मार्केट कैप आप अगर देखेंगे 646 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। इंटरप्राइज वैल्यू 888 करोड़ का। आप अगर देखेंगे इस कंपनी के पास जो कैश है वो अराउंड 0.04 का है, और डेप्ट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। प्रमोटर होल्डिंग ठीक ठाक है एक पैनी स्टॉक के हिसाब से अगर हम देखें तो, बट ये पैनी स्टॉक में नहीं आएगा, 200 रुपए का स्टॉक है। सो आपको कहीं ना कहीं इस स्टॉक में जो मोमेंटम बनता, देखिए स्मॉल कैप कंपनी है बट प्राइस पॉइंट काफी अच्छा है, सो उस वजह से हम इसको पैनी तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ एक ऐसा स्टॉक बोलेंगे जिसके अंदर मोमेंटम काफी अच्छा देखने को मिल सकता है। प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ इसकी आप देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव में चलती हुई देखने को मिली ईयरली बेसिस पर। अब बात करते हैं इसके क्वार्टर के रिजल्ट की। एक बात बताना कि प्रमोटर्स की होल्डिंग तो 47% है, बट कहीं ना कहीं पब्लिक की 50% डीआईएस की भी इस स्टॉक में एंट्री है। सो डीआईएस की एंट्री इसमें पॉजिटिव टर्म बनाती है, बट अगर पब्लिक इतनी ज्यादा है तो इसमें ऑपरेटर्स की एंट्री का भी गेम रहेगा। सो वो भी मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो आपको यहां से अगर कंपैरिजन करें तो एक अच्छा खासा जून के क्वार्टर में हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। 130 करोड़ का हमें मार्च में लॉस देखने को मिला था। ये स्टॉक ऐसा है कि एकदम से लॉस दिखा देता है, एकदम से प्रॉफिट दिखा देता है। सो कोई भी इसके क्वार्टर के बेसिस पर अगर हम बाइंग सेलिंग करेंगे तो वो एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रहेगा, बट अगर हम इसकी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ देख लें वो हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकते हैं। 92 करोड़ का इसका एसेट्स था, आज के दिन 415 करोड़ के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ है। इसका मतलब ये होता है मैनेजमेंट अच्छा खासा वर्क कर रहा है, बिजनेस मॉडल अच्छा खासा है कंपनी का, बिजनेस भी अच्छे खासे तरीके से काम करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। सो दो चीज़ें तो हमें समझ में आ गई कि हाँ यार एक इसका रेवेन्यू जनरेशन काफ़ी अच्छा हो रहा है और इसका एसेट्स और लाइबिलिटीज़ भी हम बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। ना अगर हम बात करें यहाँ पे आप देख सकते हैं 6300 गुना का इसने यहाँ पर प्रॉफिट दिया, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, मैंने तो आपको बहुत कम बताया था, इसने उससे भी ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें जो मोमेंटम दिखा है यहाँ पर वो बहुत ही काफ़ी अच्छा है, और एक हमें हल्की सी गिरावट देखने को मिली है। इसमें जो ऑपरेटर्स की एंट्री थी वो काफ़ी तगड़ी पहले से बनी हुई थी, यहाँ के बाद से इसमें इतना, देखिए स्टॉक में इतना कोई पोटेंशियल तगड़ा नहीं था, ना ही इतने ज़्यादा फंडामेंटल्स कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, डेप्ट भी कंपनी के पास काफ़ी अच्छा था, बट अगर हम देखें ऑपरेटर जो थे वो पकड़ के इसको बैठे हुए थे और एक अच्छे खासे लेवल्स तक इसको लेके गए। राइट नाउ अगर हम देखेंगे आप प्रीवियस लेवल से देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा जो हमें एक गिरावट देखने को मिली वो यहाँ पर कहीं भी देखने को नहीं मिली थी। सो ये इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो ये एक तरीके का यहाँ पर हमें रीटेस्टिंग दिखा रहा होगा इस लेवल का, ठीक है, या तो फिर यहां से ऐसे जा सकता है, नहीं तो अगर गिरावट इस लेवल को भी ब्रेक करता है इन द डाउन साइड तो हमें इसमें बहुत तगड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, जो कि आपके अराउंड यहां तक भी आएगी, उसके बाद यहां और यहां तक भी देखने को मिल सकती है। बिकॉज कंपनी के जो लेवल्स हैं वो गिरते हुए नजर हमें इसलिए आ सकते हैं क्योंकि इसमें ऑपरेटर्स ने कंटिन्यूस में बना के रखी थी पोजिशन, अच्छा खासा मोमेंटम रहा, इन्वेस्टर्स भी अच्छे खासा है, बट यहां पर वो कर गए हैं एग्जिट या फिर नहीं, ये हमें पता चलेगा अगर 297 के बाद इसमें वापस से रीटेस्टिंग आती है और एक अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ स्टॉक दिखता है तो हम इसमें बाइंग का पॉजिटिव बना सकते हैं, बट अगर यहाँ से हमें गिरावट कंटिन्यू दिखती है तो इस स्टॉक को हमें छूना तक नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। बाकी जो लोग इसमें होल्डिंग करके रखें उनके लिए भी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ से गिरावट कंटिन्यू होती है तो हम इसमें प्रॉफिट जितना हो रहा होगा उसको सेल करके इससे बाहर निकल सकते हैं। बाकी अगर आप देखेंगे बाइंग का पॉजिटिव हमें आगे चल के देखने को मिलेगी जब स्टॉक में एक रीटेस्टिंग ऑलरेडी देखते हैं किस लेवल तक करता है, उसके बाद अगर मोमेंट मिलता है तो हम इसमें बाइंग का पॉजिटिव भी बना लेंगे। सो कहीं ना कहीं ये था मेरा आज का इसका व्यू। अगर आपको वीडियो पसंद, मैं इस पर अपडेट देता रहता हूं, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को फॉर मोर अपडेट्स, एंड आप ऑल्सो लाइक टू द वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो।